कोई भी हार होती है ना हमारी कहीं भी लाइफ में, हम उस हार से हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, कुछ सीखने को मिलता है। और हमारा काफी अच्छा मैच चल रहा था और मैं मानता हूँ, ये अभी मैं लोगों की मतलब दुआ लेने के लिए नहीं बोल रहा, उस मैच में मेरी दो तीन बहुत बड़ी मिस्टेक है जो मैंने गलती एक एंकल होल्ड मैंने करने की कोशिश की, वहां पे मैंने वैसे छूट गया, दो पॉइंट गए। फिर उसके बाद एक टोटच मेरे को करके गया उनका रेडर, सेकंड मैन पे था मैं, वो बहुत बड़ी मिस्टेक थी और उसकी वजह से शायद हम लोग मैच हार गए। मैं ये तो नहीं कहता कि और गलती सारी टीम से हुई थी, पर मेरी बड़ी गलतियां उसमें दो थी। पर उस हार के बाद जैसे हमारी मीटिंग हुई, बलवान सर हमारे कोच थे, वो तो वैसे ही बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं प्लेयर्स को, तो साथ में बैठ के बात की, सबने बताया किसी ने क्या गलती की, कैसे हारे, और इतनी अच्छी टीम नहीं है, उस टीम का कोई स्टैंडर्ड इतना बड़ा नहीं है, हमारी टीम के सामने कुछ भी नहीं है। तो ये सब बात होने के बाद प्लेयर से जो मैंने बात की, प्लेयरों को मैंने बताया कि देखिए हार जीत होती रहती है, कोई बात नहीं, हम लोग हार गए, शायद हमने कहीं थोड़ा बहुत हमने उनको ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं समझा, हम उनको इजी में थोड़ा लेके चल रहे थे, इस वजह से हम लोग हार गए। पर आगे से हमें गलती नहीं करनी, हमें इजी नहीं लेना है, और जो हमारी कैपेबिलिटी है, जो भी हम खिलाड़ी इन सेवन हम खेलेंगे, हमें पूरा जोरों के साथ खेलना है। हमें कोई मतलब ये मैटर नहीं करता कि हम 10 पॉइंट की लीड लेके चल रहे हैं, 20 चाहे 50 पॉइंट की लीड हो, हमें उसे प्रॉपर लेके चलना है। हमें ये नहीं करना कि हमारी लीड बहुत ज्यादा होगी, अभी मैच को स्लो करो, हम अच्छे खिलाड़ी हैं, वो हमारे से अच्छे बिल्कुल भी नहीं है। तो ग्राउंड में जब उतरेंगे पूरे जी जान लगा के उतरेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान हमें देख रहा है, और वो हमसे आशा करता है कि भाई कबड्डी अनबीटेड गेम है हमारा कबड्डी, तो हम लोग उसमें फर्स्ट मैच में हार गए तो लोग थोड़ा सा नर्वस हैं, और हमें जो अगला मैच जो भी खेलना है एक अलग ही एनर्जी के साथ खेलना है, और उस एनर्जी के साथ ही हमें ये फाइनल जीतना है। इतनी हमारी बात ही, उसके बाद जो आप कह रहे हो अनबीटेड सेवन मैच हमें बैक टू बैक जीत के और हमने वर्ल्ड कप जीता।